साधकों, भाई और बहनों, इतिहास क्या कहता और इतिहास किसे कहते हैं? कुछ मुट्ठी भर वे लोग जिनके भीतर अदम्य साहस, अदम्य शक्ति और अदम्य उत्साह था, उनका मनोबल और प्राणबल मजबूत था। और ये इतिहास जो दुनिया पढ़ती है, ऐसे ही कुछ मुट्ठी भर लोगों का जो किया हुआ और बोला हुआ है, बस उसे ही दुनिया पढ़ती है। लेकिन एक आतंकवादी के मन में आतंक का विचार दुनिया को दहला सकता, तो एक साधु व्यक्ति के चित्त में उठा हुआ सत विचार भी विश्व में शांति और प्रेम की स्थापना कर सकता। सज्जनों, साधकों और साधिकाओं, मैं इस दृढ़ संकल्प के साथ आप सभी के दृढ़ संकल्प को भी पुष्ट करना चाहता हूं। मेरा संकल्प क्या है? मेरा संकल्प ये है कि मैं मेरे देश भारत को पूरे दुनिया की आध्यात्मिक महासत्ता के रूप में स्थापित करना चाहता हूं। मैं भारत को एक उज्ज्वल, ओजस्वी, तेजस्वी और प्रतिभा संपन्न लोगों के राष्ट्र के रूप में विकसित होता देखना चाहिए। आज हम लोग खामखा विदेशी लोगों से प्रभावित होने की गलती कर, हकीकत में जिन देशों को विकसित राष्ट्र कहा जा रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, चाहे चीन हो कि कोई और हो, वहाँ पर जाकर हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि भारतीय सनातन संस्कृति के सिद्धांत, रूल्स एंड रेगुलेशंस और यहाँ के लोग वहाँ की कंट्री को ऊंचा उठाने में अपना पसीना बहा रहे हैं। चाहे वो अमेरिकी सेना हो, चाहे दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहाँ पे भारत के लोग वहाँ के एडवाइज़र हैं और वहाँ की कंट्री को गुप्त रूप से चला रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पर ऐसे ऐसे हीरे छुपे पड़े हैं। अगर उनकी शक्ति, उनकी प्रतिभा को पहचाना जाए, हमारे देश में पूरे दुनिया को चलाने की ताकत छुपी है। यहाँ का विज्ञान, यहाँ की आध्यात्मिकता अतुलनीय है, जिसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता, और इसीलिए हम मुट्ठी भर लोगों का संकल्प अगर दृढ़ है तो हमारे साथ हजारों और फिर लाखों और फिर करोड़ों लोग शामिल हो सकते हैं, और वो दिन दूर नहीं। भारत में रहने वाले 125 करोड़ और विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग अगर हमारा साथ दें और मेरे विचार के साथ सहमत होकर काम करें, तो हम गुरु के भक्त पूरे दुनिया को तत्व ज्ञान, आनंद, शांति, प्रेम भी दे सकते हैं, लोगों के दुख भी दूर कर सकते हैं, और सरल चिकित्सा पद्धतियों के द्वारा उनकी तबीयत भी अच्छी रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है गुरु की कृपा से और ज्ञान से इसका मुकाबला पूरे विश्व में नहीं किया जा सकता। इसलिए आओ सच्चे साधकों की साधना मिलकर करें, दूर हो दुख दर्द से प्रार्थना मिलकर करें, आओ कदमों को बढ़ाएं आत्म कल्याण के लिए, नहीं ये स्वार्थ होगा, आओ अपने कदमों को बढ़ाएं समाज कल्याण के लिए। हम समाज को ईश्वर का रूप समझते हैं। हमारा भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं है, हमारा मन भगवान हर दिल में रहता है, हर मानव में रहता है।